जैसे आपका भी एक रियल मी मोबाइल है और आपका प्राइवेट सेफ में से आपका वीडियो डिलीट हो गया है, जैसे कि प्राइवेट सेफ में से आपने वीडियो रखा और आपने डिलीट हो गया, जैसे कि आपने रीसेट मार दिया फ़ोन को रीसेट मारने के बाद अपने आप प्राइवेट सेफ ओपन करके आपने देखा तो आपका फ़ोटो या तो फिर वीडियो कुछ अंदर देखने को नहीं मिला। तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपका प्राइवेट सेफ में से कौन सा भी वीडियो डिलीट हो गया और सब वापस आने वाला है, आपका वीडियो और आपका फ़ोटो भी वापस आएगा और आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी आपने रखा रहेगा जैसे कि प्राइवेट सेफ में और अपना डिलीट हो गया रहेगा, वो सब वापस ला के दूंगा आपको, जैसे कि आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आपको प्राइवेट सेफ में से डिलीट हो गया रहेगा या तो फिर गैलरी में से डिलीट हो गया रहेगा, दोनों में से आपका वापस आ सकता है, जैसे कि आपको बता देता हूँ कैसे वापस लाना है। और प्राइवेट सेफ हो या गैलरी में से हो या तो फिर ओप्पो मोबाइल हो, वीवो मोबाइल हो, रियलमी मोबाइल हो, सैमसंग मोबाइल है, कौन सा भी मोबाइल हो, वीडियो रिकवर के साथ साथ आपका फोटो रिकवर भी होएगा। और अभी मैं आपको वीडियो रिकवर के बारे में मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले आपको छोटा सा काम कर लेना, जैसे कि वीडियो को लाइक कर देना, इधर आपको लाइक का बटन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको कर देना इधर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इधर घंटे के ऊपर क्लिक कर देना है, और घंटे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑल पे प्रेस कर देना है, जैसे कि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आपको बता देता हूँ क्या करना है, जैसे कि प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इधर सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और उसके बाद आपको इधर सर्च मारना है, जैसे कि मैं इधर सर्च मार के रखा हूँ और मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हूँ, कौन सा एप्लीकेशन है अभी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, जैसे कि वीडियो रिकवरी ऐसा कुछ सर्च मारना है, सर्च मारना नहीं आता तो इधर में लिखा हुआ है, उसी तरीके से आप सर्च मार सकते हो, नोट कर सकते हो। अभी मैं आपको वीडियो रिकवर करके बताऊंगा वीडियो रिकवर कैसा करना है, जैसे कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जैसे कि डिलीटेड वीडियो रिकवरी ऐप, तो कैसे वीडियो का रेटिंग, जैसे कि एप्लीकेशन का रेटिंग भी बहुत अच्छा खासा है, जैसे कि 1 मिलियन डाउनलोड्स भी है और रेटिंग भी अच्छा खासा है, जैसे कि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। जैसे कि जो कुछ आपके सामने आएगा उसको अलाउ कर देना है, उसके बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा, मैंने पहले से प्रोसेस की रखी है और आपको प्रोसेस करनी नहीं आती है तो मेरे को आप बता सकते हो कमेंट करके, भाई मेरा वीडियो रिकवर नहीं आया और मेरा वीडियो वापस नहीं आया, मेरा फोटो वापस नहीं आया, तो उसकी पर मैं डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, आपको एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ डिटेल आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको इधर रिकवरी के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको इधर ध्यान से समझना है, तभी आपका वीडियो डिलीटेड हो गया रहेगा वापस आएगा। तो अभी आपको मैं इधर क्लिक करके बताता हूँ, जैसे कि डिलीटेड वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है और दूसरी जगह पे क्लिक नहीं करना है, जो चीज़ आपको वापस लानी है उस चीज़ के ऊपर आपको कर देना है क्लिक, सिंपली इधर स्टार्ट डीप स्कैन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि मेरा जो भी डिलीटेड वीडियो है वो रिकवर हो रहा है, और इधर आप देख सकते हो जैसे कि मेरा फोटो भी रिकवर हो रहा है। तो कैसे अभी भी और चलेगा थोड़ा बहुत, जैसे कि देखो अभी चलता है, तो उसी तरीके से आपका चलेगा, जैसे कि अभी मैं मेरा प्राइवेट वीडियो है और गाइस मेरा जो प्राइवेट फोटो दिखाना नहीं चाहता इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जैसे कि इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करोगे तो जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा वो वापस 110% आ जाएगा। और मैं अभी एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि आप वीडियो रिकवर नहीं हुआ तो मेरे को आप कमेंट करके बता दो, मैं इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। और एक चीज़ बता दो, जैसे कि फ़ोटो रिकवर नहीं हुआ तो भी आप मेरे को बता सकते हो, ये डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट भी मेरा रिकवर हो चुका है। थैंक यू गाइस, आज के इस वीडियो में इतना, मेरी वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।